नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन एक यात्रा है जिसका लक्ष्य है परमेश्वर तक पहुंचना, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कहते हैं चारों धाम की यात्रा ईश्वर की सबसे महान प्रार्थना है और इस यात्रा का सबसे पावन धाम है बद्रीनाथ, जहां अलकनंदा के तट पर साक्षात भगवान विष्णु का वास है। कहते हैं जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। तो आइए धरती के इस वैकुंठ की यात्रा आरंभ करते हैं। भगवान बद्री विशाल के यहाँ विराजने की कथा युगों पुरानी है। कहते हैं अलकनंदा के तट पर दो ऋषि नर और नारायण तपस्या करते थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ तपस्या कर भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या का असर वैकुंठ तक हुआ एवं उनकी तपस्या की ध्वनि से इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्रदेव घबराने लगे, उनकी चिंता दिन पर दिन बढ़ने लगी। तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कई अप्सराएं भेजी। उन अप्सराओं ने अपने माया जाल से दोनों ऋषियों की तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया। तभी ऋषि नारायण की समाधि टूटी। अप्सराओं को देख वो क्रोधित हो गए। अप्सराएं उनका क्रोध देखकर डर से कांपने लगी। उधर स्वर्ग में इंद्रदेव भी उनके क्रोध से डरने लगे। तब ऋषि ने पूछा वो कौन दुराचारी है जिसने तुम सबको यहाँ भेजा है, मैं अभी उसे शाप दूंगा। जैसे ही वो अंजलि में जल भरकर शाप देने लगे, ऋषि नर ने विनम्रता से उन्हें रोक लिया एवं क्षमा दान देने की प्रार्थना की। किंतु नारायण ऋषि बोले मैं जानता हूँ ये सब इंद्रदेव ने किया है, वो मेरी भक्ति और शक्ति को नहीं जानता, उसके जैसे कितने ही मेरी शरण में आते हैं। तभी देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की। इंद्र ने कहा हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया और अगर आपने मेरी भूल को क्षमा कर दिया है तो मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दीजिए। इंद्र की विनय सुनकर भगवान नारायण अपने चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म लिए अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर अप्सरा प्रकट की जिसका नाम उर्वशी था। और उन्होंने इंद्र को उर्वशी को भेंट किया और कहा मेरी माया को समझो, ऐसी अप्सराएं मेरी समाधि नहीं भंग कर सकती, ये सारा संसार मेरे से ही उपजा है। इंद्र ने क्षमा मांगते हुए कहा हे प्रभु, आप इसी चतुर्भुज रूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। कहते हैं जिस स्थान पर दोनों ऋषि तपस्या कर रहे थे वहां चारों ओर बेर के पेड़ ही पेड़ थे। बेर का एक पर्यायवाची बद्री भी है। तब से भगवान नारायण यहाँ बद्री विशाल के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं इंद्र द्वारा भेजी सभी अप्सराओं ने भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की हे प्रभु, हम पर भी दया करिए, हमें अपनी शरण में लीजिए। तब भगवान नारायण बोले द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और नर अर्जुन के रूप में मेरे साथ होगा, तब तुम सब गोपियां बनकर जन्म लोगी और तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बद्रीनाथ की उत्पत्ति की एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं एक बार नारद जी वैकुंठ पहुंचे और माता लक्ष्मी को विष्णु जी का पैर दबाते देख उन्होंने भगवान से इसके बारे में पूछा। तब भगवान अपराध बोध से ग्रसित हो गए और हिमालय पर तपस्या करने चले गए। जब भगवान विष्णु योग मुद्रा में लीन थे तभी हिमालय पर हिमपात होने लगा, भगवान पूरी तरह हिम से ढक गए। तब माता लक्ष्मी द्रवित हृदय से वहां पहुंची और स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़ी होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने आंखें खोली तो देखा लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तब उन्होंने माता जी के तप को देखकर कहा
हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, सो आज से यहाँ मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। चूंकि तुमने बद्री वृक्ष के रूप में मेरी रक्षा की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पहले ये स्थान केदार भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे। उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का ये स्थान बहुत भा गया। उन्होंने नीलकंठ पर्वत के पास ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस बालक के पास पहुंचे और उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि मांग ली। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। ये धाम दो पर्वतों के बीच बसा है, इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ होने बंद हो जाएंगे और श्रद्धालुओं को अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए भविष्य बद्री मंदिर में जाना होगा, जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा स्वयं ही बनकर तैयार हो रही है। यहाँ के पुजारी केरल के नंबूदरी परिवार के होते हैं। ये पुजारी बाल ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें रावल जी कहते हैं। कहते हैं रावल जी जितनी बार भगवान की पूजा अर्चना या भोग लगाने जाते हैं उतनी ही बार उन्हें स्नान करना पड़ता है। इनको मंदिर तक बड़े ही सम्मान के साथ ले जाया जाता है। इनके आगे आगे एक व्यक्ति सोने की छड़ी लेकर चलता है और उस समय इन्हें कोई छू नहीं सकता। मान्यता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 6 माह तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो वे 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। पांडवों ने स्वर्गारोहिणी की यात्रा यहीं से आरंभ की थी। स्वर्ग जाने से पहले यह जगह उनका अंतिम पड़ाव था। मान्यता है इसी धाम में भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यहाँ ब्रह्म कपाल नामक एक ऊंची शिला है जहाँ पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। कहा जाता है यहाँ पर पिंड प्रदान करने के बाद मनुष्य को कभी पिंड दान नहीं करना पड़ता। कहते हैं दुनिया में किया हुआ कोई भी पाप इस धाम में आकर धुल जाता है। यहाँ तप्त कुंड है जिसमें गर्म जल आता है। कहते हैं ये जल भगवान बद्री विशाल के चरणों से आता है। यहाँ पर दान देने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ नारद शिला, गरुड़ शिला, तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल शिला तीर्थ हैं। गरुड़ शिला के पास भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। यात्रियों को आदि केदारेश्वर के दर्शन करके ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी ओर ऋषि गंगा की तरफ नीलकंठ पर्वत के नीचे चरण पादुका है। यहाँ एक शिला है जिसे लीला ढूंग कहते हैं। मान्यता है इसी शिला पर भगवान ने बालक बनकर लीला रची थी। कहा जाता है यहीं गणेश गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसी स्थान पर व्यास गुफा में ऋषि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी तथा देव ऋषि नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तभी से बद्री धाम को भागवत महापुराण की जन्मभूमि भी कहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि इस धाम में आकर भागवत करते हैं। कहते हैं यहाँ एक घड़ी भागवत कथा सुनना
60,000 वर्षों तक तपस्या करने से मिले पुण्य से भी ज्यादा है। बद्रीनाथ धाम में ही सरस्वती नदी के साक्षात दर्शन होते हैं, अन्यथा अन्य जगहों पर ये नदी अदृश्य रूप में रहती है। कहते हैं जो इस नदी में स्नान करता है उसके कुल में कोई अज्ञानी नहीं होता। सरस्वती नदी पर एक शिला है जिसे भीम शिला कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान बद्री विशाल की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति मंदिर में स्थापित है। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर इस मूर्ति को स्थापित किया था। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई आदि ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं। भगवान विष्णु को यहाँ पंच बद्री के रूप में पूजा जाता है, जिनके नाम क्रमशः योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री हैं। गर्भगृह में भगवान के विग्रह को बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। यह मूर्ति भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक है। यहाँ भगवान की पद्मासन की मुद्रा में मूर्ति विद्यमान है। गर्भगृह में भगवान कुबेर, देवऋषि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की पूजा भी की जाती है। इस मंदिर में स्थित सभी मूर्तियाँ शालिग्राम से बनी हैं। शीत ऋतु में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, इसलिए मंदिर के कपाट अक्टूबर नवंबर के आसपास बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक कपाट बंद रहते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की पूजा 40 मील दूर स्थित जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में होती है। अक्षय तृतीया के दिन लगभग 6 माह बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट पुनः श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। इस दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। इस धरती के 4 धामों में बद्रीनाथ ही वो मोक्ष धाम है जहाँ से ये अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, अगर हमारी आस्था और भक्ति निस्वार्थ है तो परमेश्वर की कृपाएं भी असीम, अनंत और विशाल हैं। जय बद्री विशाल।